अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सरगुजा संभाग द्वारा आज अंबिकापुर में विजय दिवस के अवसर पर वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां सरगुजा संभाग के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो उपस्थित हुए। वहीं आपको बता दें कि सीतापुर विधानसभा के नव निर्वाचित विधायक पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो भी पहुंचे, जहां विधायक पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो का क्षेत्र के आए हुए जवानों ने और उनके परिवार ने आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज के साथ सीतापुर विधायक पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो ने क्षेत्र के वीर शहीद जो देश की सेवा करते हुए अपना जीवन कुर्बान करने वाले हवलदार लाजरस मिंज और शहीद राम सहाय राम के फोटो पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके उपरांत बच्चों द्वारा देशभक्ति के गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। आज हम उन वीर शहीद को श्रद्धा से याद करते हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना जीवन कुर्बान किया, साथ ही उन जवानों को भी सम्मान करते हैं जिन्होंने देश की सेवा की और आज यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट अतिथि सीतापुर विधायक पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे जीवन का सपना था कि मैं सेना में शामिल होकर देश की सेवा करूं और 18 साल की उम्र में मैं सेना में शामिल हुआ और देश की सेवा की और लोगों के अनुरोध पर सेना की सेवा छोड़ राजनीति में आया और लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया। आज हम देश के उन वीर शहीद को विजय दिवस समारोह के अवसर पर सहसम्मान याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सेना के जवान जिन्होंने देश की सेवा की है उनको कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज और विशिष्ट अतिथि सीतापुर विधायक पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो के द्वारा श्रीफल पुष्प एवं शॉल देकर सम्मान किया गया। सन 71 की लड़ाई में जो आज भारत देश ने जीता था, आज उस विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन की अगुवाई में आज मुझे निमंत्रित किया गया था, जिसमें शहीद हुए उन तमाम सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर हम सभी ने उन दिनों को याद किया, उन शहीदों को याद किया। साथ ही साथ जो नारायणपुर में अभी हाल ही में आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें जवान शहीद हुए हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर हम उनके परिवार को हिम्मत देने की कामना की। विधायक बनने से पूर्व आप भी सैनिक रह चुके हैं, पूर्व सैनिक हैं, आपके विचार से सैनिकों के लिए क्या सुविधाएं और क्या मार्गदर्शन? बिल्कुल, देश की सुरक्षा एक अलग ही विषय है और मैंने तो उस जीवन को जिया है, इसलिए उस तकलीफों को मैं बड़ी करीब से महसूस करता हूं, जिससे कि भविष्य में जो सैनिक हैं उनके लिए बेहतर सुविधा हो, बेहतर आधुनिकीकरण के साथ हथियार हो, सारी चीज़ों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित पूर्ण रूप से ध्यान दे ही रहे हैं और अब तो मैं स्वयं एक राजनीति के रूप में आया हूँ, हम भी सब मिलकर इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सीतापुर से तौफीक अहमद खान की रिपोर्ट।